हे गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है, आज है मेला दसवीं का। दसवीं शायद कल था, आज दूसरा मेला है। तो सब लोग गए मेला देखने के लिए, मुझे नहीं लेके गए। तो आज देखिए, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी सुई लेने के लिए। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, नहीं अभी बज रहे हैं 9, और मैं 6:30 बजे उठ गई थी, नाश्ता बन गया मेरा। तो आज मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। चलिए मैं दिखाती हूँ आप सबको कि मैं सुई लगेगा या नहीं लगेगा। तो हमारे हस्बैंड जी पता नहीं किधर गए। अभी मैं जा रही हूँ बारी, देखती हूँ वहाँ पे बहुत सारी सब्जी है। ये देखिए हमारा नींबू का पेड़, बहुत सारी नींबू है। और रात में मैं इधर को आई थी, तो यहाँ पे मेरे पैर में बहुत सारी चींटियाँ काट ली थी। तो मैं देखने के लिए आई हूँ कि चींटी एक्चुअली है किधर और कौन सी चींटी मुझे काटी थी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था और बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मैं देख नहीं पाई कि कौन सी चींटी है या मच्छर है, लेकिन मुझे काटा बहुत ज़्यादा। मेरा पैर बहुत ज़्यादा सूज गया था और बहुत पेन हो रहा था। तो अभी मैं आ गई हूँ, यही है मेरा बारी। इधर देख पा रहे हैं पूरा पड़ती है, कुछ भी नहीं है, खाली खाली है। तो अभी जो है ना, मैं नई सब्जी लगाएगी मेरी सासू माँ। इधर मिर्ची लगाएगी और इधर लहसुन शायद लगाएगी, साग सब लगाएगी। और मैं दिखाती हूँ, इधर मेरा केला का गाछ है, ये केला का गाछ है। और ये केतारी है, ये देखिए भिंडी है, छोटे छोटे भिंडी। भिंडी होगी तब भिंडी की सब्जी बनाएंगे। ये देखिए, ये रहा हमारा अमरूद का पेड़, जो कि दूसरा अमरूद का पेड़ था, मैं दिखा नहीं पाई तो उसको काट दिया गया है। और ये न्यू आया है, इसमें पता नहीं कौन सा अमरूद रेड वाला होगा या फिर वाइट वाला, क्योंकि वो वाली गाछ थी ना, वो रेड वाली, वो वाइट वाली थी तो अच्छी नहीं लगती थी। शायद ये रेड वाली होगी तो इसको रखेंगे, नहीं तो फिर इसको भी कट कर देंगे। और ये हमारा नींबू का पेड़, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी नींबू है। इधर देखिए पक्की नींबू, इस पेड़ में बहुत सारी नींबू होती है, बहुत सारी, इतना होती कि हम लोग खा नहीं पाते, पड़ोसी को देते हैं। 2 नींबू का पेड़ है, मस्त है और बहुत ज़्यादा होता है। तो यही इतना ही है मेरा छोटा सा बाड़ी, इसको खेत भी बोल सकते हैं। और ये है सजना का गाछ, और वो भी सजना का गाछ है। आप लोग नींबू देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा नींबू है। अब तक के लिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आज मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो कंटिन्यू बने रहे, इस ब्लॉग को पूरा लास्ट तक जरूर देखें।